अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो मॉडल पेपर है आप लोगों का 2021 का। इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के। अच्छा इंशाल्लाह कल के दिन आप लोगों का, कल या परसों के दिन इंशाल्लाह एक लेक्चर अपलोड होगा। जिस तरह मैंने सेकेंड ईयर के अपलोड किए थे उसी तरह फर्स्ट ईयर के भी एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। उसमें पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ होंगे और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ मैंने डाले हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। लेकिन एट द एंड अगर आपने एमसीक्यूज़ की बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेना, और साथ साथ जो आपने कोर्स किया हुआ है अपना, मतलब आपको फॉर्मूले सब आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट सब आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपने कोर्स सही तरीके से किया हुआ है, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आते हैं और फिर वो मेरा पीडीएफ करोगे, इंशाल्लाह फिर आपको मसला नहीं होगा, कोई भी आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। और अगर सिर्फ वही पीडीएफ कर लोगे, क्योंकि नॉर्मली पास पेपर्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं आजकल जो भी पेपर्स हुए हैं, और वैसे भी आप लोगों के अगर आप देखो तो पास पेपर्स के एमसीक्यूज आते हैं, 3-4 एमसीक्यूज हमेशा डिफरेंट होते थे, उसमें स्टूडेंट फंस जाते थे। तो अगर जिन्होंने पास पेपर से तैयारी करनी है वो 3-4 एमसीक्यूज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो आपके बारे में भी ये है, अगर चांस लग गया तो 100% पास पेपर के आ जाएंगे, अगर चांस ना लगा तो 3-4 के लिए आप फंस जाओगे। तो 3-4 एमसीक्यूज करने के लिए आप पे कॉन्सेप्ट, आपकी प्रिपरेशन जो है वो काम आएगी उस वक्त। बहरहाल इंशाल्लाह जब वीडियो अपलोड होगी कल तो मैं उसमें सही तरीके से आप लोगों को चीज़ों को समझा दूंगा, एक्स्ट्रा बातें भी बता दूंगा। एमसीक्यूज एक अगर लिखा हुआ है तो उसका ऑल्टरनेट बता दूंगा, अगर इसको चेंज किया तो इस तरह आएगा। इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उसको लाजमी देख लेना और शेयर कर लेना। आज जो मॉडल पेपर में 25 एमसीक्यूज हैं उनको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉडल पेपर का जो पीडीएफ है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना और उसमें से एमसीक्यूज देख लेना। सबसे पहला एमसीक्यूज लिखा हुआ है लेट ए बी सी, आपको ए बी सी गिवन है और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी मालूम करो। देखो बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2 और सी के अंदर एलिमेंट है 2, 3, इनका इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 के बराबर है। तो और ए का गिवन है 0,1, तो 0,1 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी इंटरसेक्शन सी से जो कि आ रहा है 2 के बराबर। तो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, एक बड़ा सेट लिखोगे आप, ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, लिखने का तरीका होगा 0,2, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, लिखने का तरीका होगा 1,2। अभी मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से मालूम करते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 0,2, 1,2। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह यहाँ पे ठीक है, इसमें ए बी सी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो स्टार बनाया हुआ है उसके हिसाब से जो सी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ सेट यू सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू यू देन द सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड। तो ये पूरी डेफिनेशन होती है एग्जॉस्टिव सेट की, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोग मेरे चैप्टर 1 के लेक्चर्स देखो, यूट्यूब पे डिटेल से अपलोड है, उसमें मैंने सेट की डिफरेंट टाइप्स बताई हुई थी। तो उसमें से एक सेट होता है जिसको आप एग्जॉस्टिव सेट बोलते हो। एग्जॉस्टिव सेट्स वो होते हैं कि अगर कोई भी दो सेट हैं और उन दो सेट का आप यूनियन लो और वह किसी तीसरे सेट के बराबर हो जाए, लेट कर लो सी के बराबर हो जाए, तो आप बोलोगे ए और बी जो है ये एग्जॉस्टिव सेट हैं किसके, सी के हैं। तो ये और इसमें एक और शर्त ये थी कि जिसमें ए और बी जो है डेफिनेटली इस सेट के सबसेट होने चाहिए, ठीक है, सबसेट नहीं होंगे तो फिर कंडीशन अचीव ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उन्होंने यूनियन के बराबर लिख दिया, कोई भी इसमें कोई इशू नहीं है, सी के बराबर हो या यूनिवर्सल सेट के बराबर हो, मतलब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर लिखा हुआ है ना, ये कोई मैटर नहीं करता, बस यूनियन किसी तीसरे सेट के बराबर होना चाहिए, वो तीसरा सेट सी हो, कोई भी रैंडम सेट हो या यूनिवर्सल सेट हो, बात एक ही होती है। तो ये पूरी डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव सेट की। पार्ट नंबर 3 में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3-4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो तरीके होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के, एक तो उसको रेसिप्रोकल करो, फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। एक फॉर्मूले का मेथड है वो वाला मैं करवा देता हूँ। रियल पार्ट क्या है ए और इमेजिनरी पार्ट क्या है -4। फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, ए यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 के बराबर। फिर है माइनस बी,
माइनस, अच्छा बी ऑलरेडी माइनस फोर है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 3/25, 4/25। अगर इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 4/25 आयोटा, क्योंकि ब्रैकेट में आप नहीं लिखते आयोटा, इसमें लिख रहे होते हो। तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर जो इनका सी है आई गेस, क्योंकि उन्होंने वाटर मार्क इतना बड़ा धारा है, ऑप्शन नंबर सी है वही ठीक है यहाँ पे। पार्ट नंबर फोर, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 या 8 है कोई, जिसमें ये फैक्टर बनाने होते हैं। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है 4x² + 9y². अब अगर तो इनके दरमियान में माइनस होता ना, तो इस पर आप a² - b² का फॉर्मा लगा देते हैं। अब दरमियान में पॉजिटिव है तो इसका कोई फैक्टर बनेंगी नहीं रियल, लेकिन आप इमेजिनरी फैक्टर बना सकते हो। कैसे? आप इस वाले नंबर को इस तरह लिख दो, आपने अपनी तरफ से दरमियान में नेगेटिव लिख दिया, ये तो गलत बात होगी है। कंपनसेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, वो माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोबारा आपके पास यही वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो मैंने ये समझ लो, मैंने बस जैसे हम करते हैं ना ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कंपनसेट करने के लिए, कि ऐड आपको जरूरत थी लेकिन जब आपने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, वही वाला सिचुएशन है कि आपको यहाँ पे दरमियान में माइनस चाहिए था। अब माइनस के लिए आपको कंपनसेट करने के लिए आयोटा स्क्वायर लगाया, ताकि एंड रिजल्ट यही हो कि दरमियान में पॉजिटिव आ रहा हो। उसके बाद अब आप इसे फॉर्मा लगा दो a² - b² का। उससे पहले इसको थोड़ा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 2x² और इसको लिख सकते हो 3y² स्क्वायर की फॉर्म में आपने इसको बंद कर दिया। अब फॉर्मा लगाओ a+b और a-b, ठीक है। तो ये देख लेना किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, आई गेस ऑप्शन नंबर जो a है उसी से मैच कर रहा है। पार्ट फाइव में लिखा हुआ है z1 z2 की वैल्यू लिखी हुई है, बोला हुआ है देन द रियल पार्ट ऑफ z1 z2। आपको रियल पार्ट बताना है z1 z2 का, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है देन फिर उसका रियल पार्ट बताना है। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, एक मल्टीप्लाई करने का तरीका फॉर्मूले वाला होता है, एक नॉर्मल तरीके से इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वही कर लेते हैं हम। 3 को 5 से करो 15, 3 को -2 आयोटा से करो -6 आयोटा, 2 आयोटा को 5 से करो 10 आयोटा, 2 आयोटा को -2 आयोटा से करो तो -4 आयोटा² 15 -6 + 10 ये हो जाएगा +4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव +4 हो जाएगा, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 19 + 4 आयोटा। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 19 के बराबर है। 6 में बोला हुआ है इफ b² - 4ac < 0, ये आप लोगों का टॉपिक 3.5 का है, डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है, तो फिर रूट्स क्या होते हैं यहाँ पे, एक तो पहली बात अनइक्वल होंगे डेफिनेटली, और साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और अनइक्वल होंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो अनइक्वल और रियल हो जाते हैं। बाकी आप लोग 3.5 देख लो, मैंने डिटेल में बताया हुआ। पार्ट नंबर सॉरी एमसीक्यूज नंबर 7 में बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ 27। वैसे ये एमसीक्यूज आपको पास पेपर में मिलेंगे नहीं, ऐसे आते नहीं है वैसे, जो मॉडल पेपर में लिखे हुए, मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लिखे हुए लेकिन वो नॉर्मली ऐसे देते नहीं है, ये कोई पास पेपर का नहीं है, ज़्यादातर उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे लिखे हुए एमसीक्यूज। अच्छा तो याद रखना यार कि आपने बेसिक बात स्टार्ट करते हैं, 1 के आपने क्यूब रूट निकाले थे, तो 1 के आपके पास कितने क्यूब रूट आए थे, 3 क्यूब रूट आए थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के क्यूब रूट थे। अगर आप इन तीनों क्यूब रूट को आपस में मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में आ रहा होगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 के क्यूब रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 1 के बराबर। सेम काम आप 2 के साथ भी कर लेना, सॉरी 8 के साथ कर लेना, आप 8 के क्यूब रूट निकालना, उन क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करना, देखना रिजल्ट में 8 ही आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो नंबर है अगर उसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो उसी के बराबर आता है। यहां पे नंबर है 27, तो इस 27 के क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, वरना तो बड़ा लंबा मेथड है,
पहले आप 27 के क्यूब रूट निकालोगे, लेकिन 27 के क्यूब रूट निकालने का शॉर्ट तरीका है, क्या तरीका है कि 27 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से मालूम करो, कैलकुलेटर आपको आंसर 3 देगा। तो आप लिखो 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये 27 के 3 क्यूब रूट आ जाएंगे। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप ऑब्जर्व करना 27 आ रहा होगा, तो जो नंबर होता है उसके क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी उसी के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 8 में बोला हुआ है 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 3 जो है वो किस इक्वेशन का रूट है, किस तरह पता चलेगा आप इस 3 को, हालांकि टॉपिक आप लोगों का नहीं है, आप ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ ये 3.1 का टॉपिक था जो मिस हो गया, लेकिन 3.6 में भी आपको एक सवाल मिल जाएगा इसका, तो चल जाती है बात कि आप वैल्यू पुट करते हो जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी जीरो हो जाए और राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, रूट बोलते हो। बहुत ठंड लग रही थी। अच्छा, तो अब क्या करना है, आप पुट करके देख लो, मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ। आप अगर पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई कर रही है, पहली इक्वेशन ही सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका सवाल इजी हो जाएगा। पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, तो आप ज़रा 3 पुट करो इसके अंदर वाई की जगह पे। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 16, 9 प्लस 6 15 होता है, 15 माइनस 15 0 के बराबर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, 3 आपका जो ऑप्शन नंबर ए में इक्वेशन है ना वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा जी, 9 उन्होंने जो एमसीक्यूज दे दिया, ये मुझे हैरत हो रही थी कि जिस टाइप के मॉडल पेपर में एमसीक्यूज देते हैं, अगर ये पेपर में दे दें तो बच्चों के सारे एमसीक्यूज रह जाए, लेकिन पेपर में मैंने देखा है वो पास पेपर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, पास पेपर में निहायत ही कोई ईजी और रिपीटेड एमसीक्यूज पूरे मौजूद हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं मॉडल पेपर के, इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। 9 में इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, और आपको मालूम क्या करनी है। अच्छा, इस इक्वेशन में आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी ऑलरेडी नेगेटिव है, ए यहाँ पे 1 है, तो इन सॉल्व करो 5 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, सी यहाँ पे 9 है, ए यहाँ पे 1 है, तो आंसर इसका हो जाएगा 9 के बराबर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा अपॉन, अच्छा मैं रूट दोनों के ऊपर लिख रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के तौर पर, इसके ऊपर रूट लिखो इसके ऊपर भी, प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा। तो इसका एलसीएम आप क्या लोगे, एलसीएम इसका आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट अल्फा रूट बीटा, ये एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई करके, और जब मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम लेते हो तो बड़ा आसान तरीका होता है, इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करो, रूट अल्फा को रूट अल्फा से करो, अल्फा आ जाएगा, दरमियान में प्लस रूट बीटा को रूट बीटा से करो, बीटा आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता होगी ना, जैसे रूट टू को जब आप रूट टू से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट टू हट जाते हैं, 2 आंसर आ जाता है, इसी तरह जब रूट अल्फा को रूट अल्फा से करोगे रूट हट जाएगा, जस्ट अल्फा आ जाएगा, सेम काम बीटा के अंदर भी हो जाएगा। अब दो रूट लिखे हुए अलग अलग, आप उनको एक भी कर सकते हो, रूट की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 के बराबर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 9 के बराबर है, 9 का रूट होता है 3, तो 5/3 आंसर है। ज़िंदगी में कभी भी आपको इतना बड़ा सवाल नहीं मिलेगा अपने पास पेपर्स में, ये काइंड ऑफ ई कैट के एमसीक्यूज इस टाइप के होते हैं। बहरहाल 5/3 ऑप्शन नंबर सी। 10 में लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, आपको एक बहुत ही बेसिक एपी गिवन है, आपको इसके सम निकालना है एन टर्म्स, एन को इन्होंने वाजी नहीं किया, एन 10 है 50 है 20 है क्या है, बस एन उन्होंने बोल दिया। तो डाटा आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है। अरिथमेटिक सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ए, ए 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, प्लस एन माइनस 1 डी, डी यहाँ पे क्या है 2 के बराबर है। ज़रा तो सॉल्व करते हैं इसको, एन अपॉन 2 अंदर आएगा 4, 2 को n से मल्टीप्लाई करो 2n, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2, 4 माइनस 2 2 के बराबर होता है, तो अंदर हो जाएगा 2 प्लस 2n। आप बिल्कुल कॉमन ले सकते हो ब्रैकेट से, जब आप ब्रैकेट से 2 कॉमन लोगे
तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे n बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर हो जाएगा n, 1 प्लस n, इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाँ n को 1 से मल्टीप्लाई करो, n n को उस n से करो तो n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है। 11 में लिखा हुआ है 1x² 6 - x² विल फॉर्म अ जीपी इफ, देखो अगर ये जीपी बना रहे हैं क्या, 1x² 6 - x², अगर ये जीपी बना रहे हैं तो जीपी में आपको पता है रेशो सेम रहता है, रेशो किस तरह निकालते हो, x² / 1 बराबर होगा 6 - x² / x², रेशो निकालने का तरीका होता है कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो x² / 1 6 - x² / x², अगर जीपी है तो रेशो क्या होगा इनका, सेम होगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² को यहाँ मल्टीप्लाई करो, x4 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 - x². अच्छा इन सवालों को आप मतलब बैक सॉल्व भी कर सकते हो, कहने का मतलब क्योंकि ये वाला तरीका मुझे मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक फोर्थ डिग्री की इक्वेशन आ रही है, बेसिक कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका आसान तरीका यह भी होता है कि आप MCQs पुट करके देखो और देखो क्या वो GP बन रही है नहीं बन रही, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2, तो आप पुट करके देख लो, x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 - 4 2 के बराबर, देखने में लग रहा है GP का तो कोई सर पैर ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मुझे √2 लग रहा है, जरा √2 को हम चेक कर लेते हैं पहले, जो ऑप्शन नंबर डी है, तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे x की जगह √2 पुट करो, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 के बराबर, फिर यहाँ पे आप √2 पुट करो, √2 का स्क्वायर 2 के बराबर, 6 - 2 = 4, ये दिखने में लग रहा है जीपी बना रहे हैं, इसमें कॉमन रेशो 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, √2 आ रही है। बाकी अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे उससे भी आंसर आ जाएगा, इस इक्वेशन के आपके पास कितने आंसर आएंगे, आंसर तो बहुत ज़्यादा आएंगे आई गेस, इक्वेशन ये वाली बन रही होगी, x² + x² - 6 = 0, अब इसके आंसर तो ज़्यादा आ रहे होंगे, लेकिन आप फिर भी इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करोगे, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है ये, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व कर सकते हैं, बस फर्क ये है कि इसके जो आंसर आएंगे वो इसके बराबर होंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके आंसर एक्स के बराबर होते हैं ना, लेकिन जो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है अगर आप उसको एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेटर में, कि इसको ए वन ले रहे हो, बी वन ले रहे हो, सी माइनस सिक्स ले रहे हो, तो अब जो आंसर आते हैं वो एक्स स्क्वायर के आते हैं, तो अब ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक हो ही नहीं सकती, ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, ये आपको आंसर देगा इमेजनरी, इमेजनरी आंसर आपको नहीं चाहिए, रियल आंसर देख लेते हैं, तो रियल में सॉल्व करो, +/√2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -√2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली, और +√2 भी करेगा, ऑप्शन में +√2 लिखा हुआ है, दैट्स वाई वो ठीक है, लेकिन मैंने बताया आप पुट करके देख लो, पुट करके ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको देख लोगे, और बाकी वैल्यूज आपको क्यों दिखने में लग रही थी, जब मैं 2 पुट कर रहा था तो दरमियान वाली चीज़, ये वाली चीज़ छोटी थी, ये वाली बड़ी होती है, ये वाली छोटी हो जाती है, जैसे 1, 4, 2 जीपी बनी रहेगी, इसी तरह अगर आप यहाँ पे 4 या 8 पुट करोगे, अगेन ये 16 होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 है तो जीपी बनेगी नहीं, दैट्स व्हाई मैंने देख के पहचान लिया था यार ऑप्शन नंबर डी जो है वो शायद चल सकता है यहाँ पे, तो पुट किया तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं बैक सॉल्व करना, ऑप्शन देख के भी आप पुट कर सकते हो, मैंने खैर दोनों तरीके बता दिए। 12 में अगर आप देखो आपको HM निकालना है, दो नंबर्स हैं, कौन से दो नंबर्स हैं, एक तो है भाई 1/2, एक है 1/4। HM निकालने का तरीका, HM निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको मैं चलो HM के तरीके से निकाल लेते हैं, HM का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, a है 1/2, b है 1/4, ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे इन दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/4, नीचे आप LCM ले लो 4, अच्छा ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1/4 / 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 1/3। और ये बात आप ऐसे भी कर सकते हो AP के तरीके से, जो मैं शुरू में करने लगा था, AP के तरीके से अगर आप करते तो शुरू में इसको रेसिप्रोकल कर देते, 1/2 / 1/4 है ना, तो इसको आप 2/1 या 4/1 कर देते, और इनके दरमियान आप AM निकाल लो,
और इनके दरमियान एम आपको दिखने में लग रहा है 3 आ रही है क्योंकि 2 + 4 = 6, 6 / 2 = 3 के बराबर होता है। तो अगर इनके दरमियान एम 3 है तो HM में कन्वर्ट करने के लिए आप 1/3 कर देते उसको। तो एम के तरीके से भी आप सवालों कर सकते हो, मर्जी है आपके पास, दोनों मेथड है, दोनों ही मैंने बता दिए। अच्छा जी, लिखा हुआ है अगर 1/15, 1/20, 1/25 आर इन ए पी देन 15, 20, 25। ये आपको पता है कि अगर आप ये बात क्लेम करते हो कि 1/15, 1/20 और 1/25 HP के अंदर है, अगर ये तीन नंबर HP के अंदर है तो फिर ये बात कंफर्म है कि इनके रेसिप्रोकल जो है वो होंगे AP के अंदर। ऑप्शन नंबर जो B है वो ठीक है, D ठीक नहीं होगा, बोथ AP एंड HP वो ठीक नहीं हो सकता, वो दिखने में शायद आपको लगे ठीक हो, इनका रेसिप्रोकल AP के अंदर ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। 14 में बोला हुआ है द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल। देखो ये तीन सवाल होते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि नंबर ऑफ वेज इन विच आप 7 लोगों को रॉ में अरेंज करना चाह रहे हो। तीन टाइप की अरेंजमेंट होती हैं, एक तो होती है रॉ अरेंजमेंट, तो अगर 7 लोग हैं उनको आप रॉ में अरेंज करना चाह रहे हो तो कितने तरीके होते हैं, 7 factorial। दूसरी सिचुएशन, अगर उन 7 लोगों को आप टेबल के अराउंड अरेंज करना चाह रहे हो जो इस सवाल में लिखा हुआ है, तो 7 लोग हैं, 7 - 1 = 6, तो टेबल के अराउंड अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 1 + 6 factorial। और अगर तीसरा सवाल ये होता कि 7 लोग तो नहीं लेकिन 7 कुछ मोती के दाने, बीट्स कह दो या 7 फ्लावर्स कह लो, उनको अगर आपने एक नेकलेस या ब्रेसलेट के अराउंड अगर अरेंज करना है आपने, तो फिर ये होता था कि अगर 7 चीज़ें हैं तो 7 - 1 = 6, 6 को डिवाइड कर दो, मतलब 6 factorial को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो रॉ अरेंजमेंट टेबल में अगर आपने अरेंज करना है या अगर आपने नेकलेस में अरेंज करना है, तो ये तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके का ये सवाल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने टेबल का बोला था तो डेफिनेटली 6 factorial जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब 6 factorial ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है, बाकी ऑप्शन में 6 factorial नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है। अच्छा जी, 15 में बोला हुआ है इफ ए प्लस बी की पावर 11 देन इट विल कंटेन। देखो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर 11 है तो उसके अंदर 12 टर्म होंगी, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती है, पावर 11 है तो टर्म कितनी हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 16 में बोला हुआ है इफ ए प्लस बी की पावर 13 देन मिडिल टर्म विल बी। अच्छा यही एक्सपेंशन है, इसकी पावर 13 है, तो मैंने बताया था बाइनोमियल में अगर पावर ऑड हो तो फिर 2 मिडिल टर्म आती हैं। कैसे निकालते हो, 13 + 1/2 = 13 + 3/2। ये मैंने क्लास में डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ, यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद है मेरे चैप्टर नंबर 7 के, चैप्टर नंबर 8 के। तो जब ऑड नंबर यहां पे आ गया तो अब 2 मिडिल टर्म आएंगी, कैसे आएंगे, इसमें आप 1 ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, इसमें आप 3 ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, 13 + 1 = 14, 14 / 2 = 7, 1 मिडिल टर्म होगी 7th टर्म, और 13 + 3 = 16, 16 / 2 = 8, 1 मिडिल टर्म हो जाएगी 8th टर्म। तो 7 and 8th टर्म ऑप्शन नंबर ए। 17 में आपसे जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछा गया है, वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लग रही होगी लेकिन बेसिकली जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछ रहे हैं जो कि चैप्टर 8 में आपने बहुत दफा यूज किया होगा 8.3 में, और वो होता है NCR A की पावर N-R B की पावर R ऑप्शन नंबर C। अच्छा जी, 18 में लिखा हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्किल ऑफ अ यूनिट सर्किल। इतनी वर्डिंग इन्होंने डिफरेंट की हुई है, जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा जी, लिखा हुआ है आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्किल ऑफ अ यूनिट सर्किल। देखो भाई एक होता है पूरा सर्किल, ठीक है, आर्क लेंथ क्या होती है, कभी तो हम छोटी छोटी डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे इतनी सी आर्क लेंथ निकालनी है आपको या थोड़ी ज्यादा आर्क लेंथ निकालनी है। अगर मैं आपको बोलूं ये पूरा सर्किल जो है जिसको आप सर्कमफेरेंस कहते हो, इसको भी आप आर्क कह सकते हो लेकिन आर्क कहते नहीं क्योंकि बहुत ही बड़ी है तो फुल सर्किल हो जाएगा,
इस पूरे की लेंथ क्या होती है सरकमफेरेंस की, 2πr होती है, ठीक है, इस पूरे की। अब बात की जाइए, बात की जा रही है सेमी सर्कल की, तो भाई इस पूरे की होती है 2πr, तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, 2πr को 2 से डिवाइड कर दो, πr, मतलब इस सेमी सर्कल की ये पूरी आर्क लेंथ जो है ये πr के बराबर होती है, इसी तरह ये भी पूरी πr के बराबर होती है, ऐड करते हो तो 2πr आता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग सेमी सर्कल की अगर आप बात करो तो πr लेंथ होती है इस आर्क की पूरी, ये जो पूरी आर्क नजर आ रही है ना आपको, इसकी लेंथ क्या होती है, πr के बराबर होती है। अब सवाल में उन्होंने बोला है कि भाई चूंकि एक यूनिट सर्कल है ये, तो यूनिट सर्कल में रेडियस क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो अब आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, जस्ट पाई के बराबर हो जाएगी। तो जो सेमी सर्कल है उसमें आर्क लेंथ होती है पाई के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। 9 में बोला भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब साइन 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। हाँ, 20 में बोला भाई कॉस यू माइनस कॉस वी, कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला होता है -2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है यहां पर। 21 में बोला भाई टेंजेंट 90 प्लस थीटा, ये मैंने आप लोगों को चैप्टर 10 के अंदर डिटेल में बताया हुआ है, चैनल पे बात अपलोड है। पाई बाय 2 मतलब 90 होता है ना, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, पाई बाय 2 भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। 90 में मैंने बताया था फंक्शन चेंज होता है, टेंजेंट है तो वो चेंज हो जाएगा कॉट की फॉर्म में, जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा। 90 प्लस थीटा का मतलब कि एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, 90 में कुछ भी ऐड करोगे वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस पूरी चीज का आंसर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो ये टिक जो ट्रिक है ना, ये मैंने आप लोगों को चैप्टर 10 में डिटेल में बताई हुई है, 10.2 के 10.2 था, हाँ 10.2 के जो क्वेश्चन है शुरू के पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये सारे पार्ट्स गिवन है, तो मैंने बताया था किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अल्टरनेटिव, खैर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, जैसे आपने साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले देखे थे ना, इसी तरह आप टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, उससे भी देखना आंसर यही आ रहा होगा, लेकिन ये इजी ट्रिक होती है तो इसमें मसला नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी सी है लिखा हुआ है, उसमें ए बी सी बराबर है, बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये जो सिंबल है ना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं हम, ऐसा ट्राइंगल जिसमें ए बी सी सब बराबर हो तो उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो। तो अगर आपको याद हो तो ये 12.4 का जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें आपने यही चीज निकाली हुई है, अगर आपको याद हो तो उसमें उन्होंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डिराइव करो, तो फॉर्मूला पूरा डिराइव किया हुआ किस तरह, हीरोस फॉर्मूला यूज किया, उससे पहले आपने एस निकाला था, एस निकालने के बाद आपने हीरोस फॉर्मूला पुट किया तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ रहा था √3x² / 4, ये था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर आपको चीज नहीं याद होगी तो आपको पूरा सवाल करना पड़ जाएगा, वो वाला वो जरा देख लेना, 12.4 का आखिरी क्वेश्चन मैंने रेफरेंस दे दिया आपको, वहां पे हमने तीनों साइड की लेंथ को एक्स के बराबर लिया था, यहां पे आपकी मर्जी है क्योंकि ए बी सी बराबर है, या तो आप ए यूज कर लो या बी यूज कर लो या सी यूज कर लो या एक्स का नाम दे दो, मर्जी है आपने, क्योंकि सब चीजें आपस में बराबर है ना, कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे ए का सिंबल यूज किया गया है ऑप्शन में, तो आप ए का सिंबल यूज करो, एक्स की जगह पे यहां पे ए पुट कर दो, तो √3a² / 4 ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक है यहां पे। 13 में बोला हुआ है ट्राइंगल डेल्टा एबीसी द एंगल ए इज इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, याद रखना जो कोसाइन लॉ है, अगर एंगल ए जो है मतलब अल्फा जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा तो आपका जो कोसाइन लॉ आएगा ना वो ए स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीन ऑप्शन ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो करेक्ट वाला फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ कोसाइन में a² = b² + c² - 2bc cos α, ये करेक्ट फॉर्मूला होता है। तो अगर एंगल ए जो है मतलब अल्फा जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे है तो ए स्क्वायर की फॉर्म में लॉ ऑफ कोसाइन आएगा, अगर बी जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है मतलब बीटा तो आपका फॉर्मूला बी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, b² = a² + c² - 2ac cos β, इसी तरह जब सी होगा तो सी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। 12 में आपसे साइन अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला पूछा गया है जो कि मुझे भी नहीं आता,
अब इसमें से क्या होगा? जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिर भी। ये आपको 12 चैप्टर में मिल जाएंगे, 12.3 से पहले आई गेस। हाँ, साइन अल्फा अपॉन टू का फॉर्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। यहाँ पे 25 में बोला हुआ है साइन एक्स, 13.2 का सवाल है साइन एक्स इक्वल टू 1/2। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बहुत ही बेसिक सी, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? डिटेल में 13.2 चैनल पे अपलोड है, एक एक क्वेश्चन 13.2 का मैंने करवाया है। उसके बाद अब तो मैंने कुछ बुक के एग्जाम्पल, कुछ पास पेपर क्वेश्चन भी 13 के अपलोड कर दिए, हर चीज़ अपलोड है 13.2 की। तो साइन वर्स 1/2 जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे, कैलकुलेटर आंसर देगा 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6। मैंने बताया था साइन के केस में दूसरा एंगल आप कैसे निकालते हो, पाई में से माइनस करते हो, तो पाई माइनस पाई बाय 6। तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा? 6 को पाई से करो 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई 6। तो पाई अपॉन 6 एक एंगल हो जाएगा, एक 5 पाई अपॉन 6 एंगल हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो भाई ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। तो बच्चों ये सारे एमसीक्यूज हैं इसके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस आए हुए तो नहीं है इतने बाहर से, हल्की हल्की वैल्यूज चेंज करके दिए मैं, तो मैं आप लोगों को एटलीस्ट रेफरेंस दे दूंगा कि कहाँ पे आया हुआ है, कहाँ पे आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।